ठीक है ना, ये वो सारे खराब है, ये देखिए ले रहे मैं बता दूँ, कोई बात नहीं, ले ले कोई बात नहीं। बुश वगैरह भी डल गए, स्प्रिंग भी डल गया इसको। तो जी 12 बज गए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, जहाँ भी रहे खुश रहे, बात रहे फूलों की तरह से मुस्कुराते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सुबह हो गई है, जो हमारे चैनल पर न्यू है सबसे पहले सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है, मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। और जी मैंने है ना स्कूल की तैयारी कर ली हूँ, कर रही हूँ है ना, तो मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी है ना स्कूल की तैयारी कर लूँ, क्योंकि मैं फिर है ना टाइम कम रह जाता है, इसलिए मैंने कहा मैंने अब स्कूल की तैयारी कर लूँ। तो मैंने मम्मा से कह दिया, मम्मा स्कूल की तैयारी करने लगी हूँ, चलें फिर। मम्मा कहते ठीक है आप स्कूल की तैयारी करें, और मैं नाश्ता बना रही हूँ। और मैंने कहा मम्मा वीडियो तो हमने बना ही नहीं है, तो मम्मा कहते बना लो फिर है। तो फिर मैंने आपके साथ अपनी वीडियो शेयर करनी शुरू कर दी है। और है ना, और एक और बात बताऊँ, जब है ना मेरी वीडियो पर बहन भाई नहीं आते ना, मुझे इतना रोना आता है, जैसे कहा आप है ना हमारी वीडियो पर नहीं आ रहे तो हम आपकी वीडियो पर क्यों आए है। तो आप भी हमारी वीडियो पर आएंगे ना, फिर भी हम आपकी वीडियो पर आते हैं। अगर आप नहीं आएंगे ना हमारी वीडियो पर, हमने भी नहीं फिर आना, बेशक जितनी मर्जी उम्मीद रख लें, ना ही लोग आएंगे आएंगे आएंगे, जितनी मर्जी उम्मीद रख लें, मैं नहीं आऊँगी फिर आपके साथ, कभी बोला भी नहीं करूँगी ना मैं वीडियो बनाया करूँगी। मम्मा को नाश्ता बनाते मैं दिखा देती हूँ आपको। मैं जी अब ऊपर जा रही हूँ, क्योंकि ना नीचे मम्मा कहते थे ना मैंने तो बताओ नाश्ता बना लूँ, क्योंकि आप फिर देर हो जाती है। मैंने कहा ठीक है मैं ऊपर आ जाती हूँ, बाबा का बिछा भी बिछा हुआ है वो भी आपको दिखाती हूँ। मैं कपड़ों में से गुजर रही हूँ, ये देखा नहीं बाबा ने मच्छरदानी लगाई थी रात को, सोने ऊपर ही सोते सोए थे बाबा, मैंने कहा मैंने थोड़ी सी बैठ जाऊँ इधर। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, ओके आलम सब ठीक है, आप भी ठीक होंगे। तो मैंने जी स्कूल की तैयारी कर लिया था, अब हम जाएंगे स्कूल। तो मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा जी मुझे ना आप गला ला के दे, मैंने ना उसमें पैसे जमा करने हैं अपने, तो आप ही ना मैं जो बातें कर रहा हूँ वो ना एक समझ के वो ना लपेट रही है, यानी कि इकट्ठी कर रही है बातें वो आप ही। हाँ जी गल्ला मैंने पैसे जमा करने हैं, एक 20 रुपए मिलते हैं आपको, पहले 10 रुपए मिलते थे आप लोगों ने कहा कि लोग उधर लड़के 100-100 रुपया लेके आते हैं, तो मम्मी भी पैसे दे। ये देखिए ये क्या कहाँ से गंद की है, वो दूसरा पादू ये सफाई की थी उधर, तो 20 रुपए आपको मिलते हैं, तो खा लिया करो उधर। नहीं जमा करने वो भी जमा करने आप लोगों ने, कमाल हो गई है। मैंने घड़ी लेनी है, घड़ी है तो सही, आपने टच घड़ी लेनी है अल्ट्रा वॉच, जब बड़े होंगे ना तो ऐसे शौक पूरे करने हैं। हाँ सबके पास है वो। कितने की आती है? 5,000 की आती है। ये नहीं मैं लेके दे सकती, मैं कहा 200-400 की आती है तो लेना। चलो ठीक है मैं ला दूंगी जमा कर लेना। हाँ जी मेरे प्लास्टिक का ला के देना। अच्छा टूट गया जान टूट जाएगा और फिर जुड़ भी जाएगा। टूटेगा नहीं वो जुड़ जाएगा, वो काटना पड़ेगा। हाँ जी जुड़ भी जाएगा, अल्फी से जोड़ लेंगे। इनको मैं पैसे देती हूँ 20 रुपए, पहले 10 रुपए देती थी अब 20 रुपए देती हूँ, तो फिर ये कहने लगी कि मम्मा लोग इतने 100-100 लेके आते हैं, हम भी 10-10 लेके आते, 10 का क्या आता है। तो फिर इसके पापा ने कहा इसको इनको 20-30 दे जाके, फिर अब मैं 20 रुपए देती हूँ 20 रुमाद को 20 रियान को, तो वो भी कहती है हमने जमा कर लिए। चलो मैंने कहा वो जाए आपकी जमा कर ले जो कुछ करें, मैं क्या नाश्ता हमने कर लिया साहब, नाश्ता करके दुकान पर चले गए, तो बच्चे ने भी कर लिया मेरे लिए नाश्ता किया, तो बकरा भी इधर पड़े हैं उठाने वाले, बर्तन उठाऊंगी। ये क्या करा तू, तो मार दिया स्कूल जाएंगे, मनाल चली गई मैडम,
उसको तो बहुत जल्दी होती है, और कहती बस सुबह हो तो मैं स्कूल पहुँच जाऊँ, सबक उसको आए ना स्कूल पहुँच जाऊँ। 7:15 हो गया था जब वो उसने शोर डाला हुआ था, मैंने जाना है तो मैं नाश्ता कर रही थी, उसके पापा भी नाश्ता कर रहे थे, तो फिर हमने उसकी वीडियो वगैरह नहीं शूट की, तो बच्चे स्कूल जाने चले जाए, फिर आप भी देर हो रही है। हाँ जी, मर्जी है पढ़े, मैं तो कह रही हूँ रोज पढ़े, चलो पढ़े। मैं तेरे को 3 दफा पढ़ के फूक मारा करो अपने ऊपर, भाई ऊपर भी। चला गया नमूना, मैं पहले खड़ा था इधर, जैसे मैंने कैमरा स्टार्ट किया चला गया। अल्लाह हाफिज। तो काम माशाल्लाह मैंने कर लिया है, काम आज मैं काफ़ी देर से मैंने की है, काफ़ी कपड़े सिलाई करने के लिए गई हूँ, तो मैं घर में अकेली हूँ आज, तो काम वगैरह मैंने सारा किया है, तो भाई का फ़ोन आ गया था, वो मैं सुनने लग गई, तो मुझे काफ़ी देर हो गई आज काम में। अब मैं छत के ऊपर जाऊँगी, छत के ऊपर कल के कपड़े फैलाए हुए हैं वो उतार के लाऊँगी, और फूल देखूँगी गमलों में पानी डाला है कि नहीं। ये देखिए माशाल्लाह फूल के लिए, ये नीचे सीढ़ियों पे गमला रखा हुआ है, उसमें फूल के लिए। छत के ऊपर जाऊंगी, जा रही हूँ मैं, कपड़े वगैरह मैंने उतारने हैं, कपड़े सारे नीचे बिखरे पड़े हैं, ये अल्लाह साहब का बिस्तरा भी ऊपर पड़ा है, ये देखे कपड़े सारे ना बिखरे पड़े हैं नीचे, ये साहब का बिस्तरा है, ऊपर ही थोड़े सोए थे तब मुझे याद ही नहीं, तो माशाल्लाह फूल भी काफ़ी खिले हैं। कपड़े वगैरह धूप में उतारूंगी, उतार के नीचे लेके जाऊंगी, ये देखिए सारे कुछ नीचे गिरे हुए हैं, तो कुछ तार के ऊपर है, तो ये भी उठा के लेके जाऊंगी अब मैं। ये मोटरसाइकिल आया जी हमारे पास नबीला राशिद वालों का, इसका एक तो मैंने ये ब्रेक लीवर चेंज करना है ये वाला, और इसके हाथ के रबर चेंज करने, इसकी हाथ भी टूटी हुई है मोटरसाइकिल, और इसके शाखों के रबर चेंज करने हैं ये वाले। कुछ मोटरसाइकिल खड़ा करके चला गया, 1 घंटे का टाइम दिया उसको, मैंने कहा भी 1 घंटे में आके ले जाना इसको। ये राशिद भाई पहुंच चुके हैं, राशिद भाई आपकी गाड़ी माशाल्लाह ठीक हो गई है, तो इन्होंने सामान वगैरह ला के दिया था, ब्रेक राड था, लेदर थे इसके, कोई शाखों के बुश वगैरह थे, वो सारे डल गए, अभी तक तो गाड़ी माशाल्लाह ठीक है। इसकी सीट वगैरह डलवाएं, सीट नहीं है इसकी, बिल्कुल कुछ हाँ जी, अल्लाह ताला को मामला सीधे करे तो फिर ही है। तो राशिद ब्रेक का लाजमी काम है। राशिद भाई बता रहा है जी, सुबह मैं जा रहा था बच्चों को लेके, तो बड़ी मुश्किल से बचा हूँ, वापस आ रहा था छोड़ के, तो बड़ी मुश्किल से बचे हैं, सामने गाड़ी ने ब्रेक लगाई है एकदम, इनकी ब्रेक ही नहीं थी, तो अल्लाह ताला ने बचाया जी, अल्लाह ताला रहमत करे सब पे, तो माशाल्लाह जी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गई है राशिद भाई की, ब्रेक वगैरह ठीक है, बुश वगैरह भी डल गए हैं, स्प्रिंग भी डल गया है इसको, ओके हो गई राशिद भाई आपकी गाड़ी ठीक हो गया जी। तो जी 12:00 बज गए, 12:25 हो गए आज, तो अभी सब्ज़ी वाला आया है, एक तो उससे आलू लेके आई हूँ, 1/2 किलो आलू लिए, 20 रुपये 40 रुपये की एक पाव मिर्ची लिए, तो प्याज काटे, धनिया है और लहसुन है, तो आज हम बनाएंगे आलू शोरबे वाले, साथ में डालेंगे उसमें डालेंगे हम उबले हुए अंडे, शोरबे वाले आलू और अंडे पकाएंगे आज हम। बिजली भी गई हुई थी, अभी आई है, आ गई है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हमने मसाला की तरह भून लिया, अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे और नमक भी रच हल्दी, टमाटर शामिल करेंगे नमक, आज अपने टमाटर वगैरह ग्राइंड नहीं किए ना, मिर्चें ग्राइंड किए, बिजली नहीं थी तो फिर मैंने कूट ली, मिर्चें भी कूट ली, लहसुन भी और टमाटर काट लिए, ये सुरख मिर्च, हल्दी मेरा ख़त्म हो गई है, हल्दी बताया नहीं आपके लिए कि हल्दी नहीं है,
नमक भी डाल दिया इसमें। इसकी बुराई करेंगे तो फिर इसमें आलू डाल देंगे। फिर इधर मैं ना आलू डाल के तो मैं इधर रखूँगी आलू, अंडे उबलने के लिए रखूँगी। ये किसी ने हमने अंडे जमा किए हुए थे, तो किसी ने हमसे कहा था कि हमने ना मुर्गी बिठानी है तो हमें अंडे देना, तो इकट्ठे करके। तो फिर हमने 3-4 दिन इकट्ठे किए हैं, तो हमने सुबह उनको कहा, फ़ोन किया भी अंडे ले जाएं अगर लेने हैं तो कहते कितने, हमने कहा 40 रुपये, कहते हमने नहीं लेने। तो फिर मैंने कहा चलो अंडे तो पड़े हैं, सब्ज़ी भी तो लेनी है, चलो फिर शोरबे वाले आलू अंडे बना लेते हैं। तो फिर मैंने आज आलू अंडे बनाए हैं इसलिए कि अंडे उन्होंने लिए नहीं है, कि हमने कौन से फेंक रहे थे, हम खुद खाएँगे मज़े से, बच्चे खाएंगे मेरे। तो ये देखो 9 और 10 अंडे कुटे हैं, बड़ा 10 अंडे हैं, ये एक टूटा हुआ है, तो हम खुद खा लेंगे, नहीं कोई खाता तो ना सही। ये देखिए तो उधर रोटी मैंने बना ली है, मैं हॉट पॉट में रखूँगी, अभी नमाज पढ़ रही है, मैं अभी रोटी बना के आती हूँ। सालम ने बना लिया, बच्चे आने वाले हैं अभी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आ गई हो? हाँ जी। कैसा आ रहा है स्कूल? बहुत अच्छा। गर्मी थी कि नहीं? बहुत। आज ना एक नुकसान हो गया। क्यों? हमारी एक मुर्गी गुम हो गई। वो जो अंडे देती है लाल मुर्गी है, मैं से गुम हो गई, दोपहर की ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई, अभी कोई पकड़ के ले गया है, कोई पकड़ के ले गया उसको। मैं भी ढूंढ के आऊँ सारे उधर, वो पठानों की चूगों की तरफ सारे मैं ढूंढ के आई हूँ, कहीं नहीं मिल रही। चलो बैग तो उतार लो, कपड़े उतार लो, फिर देखते हैं। नहीं कपड़े वगैरह यूनिफॉर्म उतार लो, अंडे तो देती, फिर क्या करूँ बेटा मैं, बाहर ना छोड़ूँ तो जानवर है वो, फिरने घूमने वाला जानवर है, उनको खुडे में बंद करेंगे तो फिर वो कैद होकर रह जाएंगे। रोज़ दोपहर को जब सुबह को छोड़ते थे अतल कुर्सी पढ़ के, तो दोपहर को घर आ जाती थी, मतलब कि मैं दरवाज़ा खोलती नहीं, 11 बजे 12 बजे तो आ जाती थी, 12 बजे दरवाज़ा खोला तो आई नहीं, तो मैंने कहा देखो तो आई नहीं है, कहाँ गई है, तो मैं उसको ढूँढ ढूँढ तक गई हूँ, नहीं मिली वो। भाई आते हैं फिर देख के आते हैं इधर उधर, जी हमाद भी आ गया। कहीं नहीं मिल रही, मैं देख देख के आ गई। तो पानी तो पी ले आप, इधर आ जा, पानी पूरी भी तो पी लो। पानी क्या है मैं तो? आपने आते ही बता दिया, सबर कर लेती, इधर पानी भी नहीं पिया, चला गया। आज हमने बनाया आलू अंडे शोरबे वाले, तो जिस बैर भाई ने खाना खाना हो आ जाए, भाई साहब तो आए नहीं अभी तक, दुकान पर बैठे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ देर हो रही थी, मैं जब आप खाना खाएं जब आपके पापा खाना 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 आपको आप ही बिठा दूँ दोनों को जी, डाल दे मम्मा, रिहान किधर है? रिहान है मम्मा, तो हम ये तो पहले खाना खा रहे हैं, स्कूल से आ गए हैं, तो हमारी एक लाल मुर्गी गुम हो गई थी, तो पहले हम उसको ढूंढ रहे थे, तो वो मिली नहीं है। मैं दुआ करता हूँ वो ना शाम को घर आ जाए, क्योंकि जब शाम होती है ना मगरब के जाने होने वाली होती है, तो सब मुर्गी दरवाजे के पास आके खड़ी हो जाती हैं। पहले दोपहर को भी आती थी, मैं भी सारा जगह ढूंढती हूँ, इतनी देर हो गई, अभी तक जहर की नमाज नहीं पड़ी, बस मुर्गी को ढूंढने के चक्कर में नमाज भी ले देर हो गई, खाना खा के ना फिर नमाज पढ़ ली। वो भी आज नहीं कहते खाना खाऊंगा, किसके कोई आया उसके, जिससे ना
कुरान पाक पढ़ाया ना तो वो आए हैं। साहब ने कुरान पाक कब पढ़ा था, जब हमारी बड़ी बेटी हुई थी ना पैदा, तो तब साहब ने कुरान पाक पढ़ा था। पहले साहब कुरान पाक नहीं पढ़े थे, ये कहते मुझे कुरान पाक पढ़ना है। मैंने कहा पढ़ लें आप, तो ये कौन सी कोई पूछने वाली बात है कि साहब ने उधर दुकान होती थी उधर रेलवे बाजार के पास, तो साहब की दुकान होती थी, फिर साहब ने उधर खाली रखा अपना, वो सुबह शाम आते थे इसको सबक देने जाते थे। फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसको तफरीक दी तो दिल लगा के इसने माशाल्लाह कुरान पाक खत्म कर लिया। अब माशाल्लाह कुरान पाक पढ़िए साहब। दोपहर के खाने का टाइम हो गया जी, मैं अभी दुकान बंद करके जा रहा हूँ। मेरे उस्ताद आ गए थे, उस्ताद मोहतरम कारी जवेद साहब, जिनके पास मैं कुरान पाक पढ़ा हूँ, वो बैठे रहे मेरे पास। मेरे लिए लेके आए थे बोतल, कल आए थे कहते थे बोतल पीनी है, कल भी बोतल पी थी, आज फिर बोतल लेके आ गए स्प्राइट 1 लीटर। बहुत अच्छे आदमी हैं, केक भी लेके आए थे, केक भी खाए हैं। बच्चे घर वेट कर रहे हैं खाना खाने के लिए, पता नहीं उन्होंने अभी खा लिया या खाना है, तो मैं अभी जा रहा हूँ घर खाना खाने के लिए। कुछ थोड़ी बहुत वीडियो भी बनाएंगे उधर, तो मैं घर जा रहा हूँ। दुकान बंद करने लगा, पाइप वगैरह मैंने अंदर रख दिया है, ये पानी वाली तगारी जो है ये बैठक ये भी अंदर रख दिया है, बैल भी उठा रही है, अभी जा रहा हूँ मैं। तो माशाल्लाह जी गर्मी का ज़ोर टूट गया, हवा चल रही है, हवा गर्म नहीं है ना, ठंडी है ना गर्म है, क्योंकि मौसम चेंज हो गया, अक्टूबर का महीना आ गया, तो हवा भी चल रही है हल्की हल्की, सीना वगैरह तो नहीं आ रहा अब, ठीक है मौसम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया। मैं घर की तरफ जा रहा हूँ खाना खाने के लिए। एक मुर्गी बेगम कहती थी गुम हो गई है, पता नहीं वो मिली है या नहीं, वो भी चल के पता करते हैं। सुबह छोड़ी है तो दोबारा वो वापस ही नहीं आई, दूसरी तो आ गई थी वो वापस नहीं आई। वो गाय का रेवल लेके जा रहा है भाई। इधर कोई चराने की जगह तो नहीं है, चरानगा बरल, फिर भी ये ना इधर लेके जाते हैं, सारी सड़क का सत्यानाश कर देते हैं। हम पानी वगैरह छिड़काव करते हैं, ये इधर से गुजारते हैं जानवरों को, सारी सड़क का हाल देखें कैसे हो जाता है। हाँ जी बेगम, ये ले बोतल, ये तुम्हारी मम्मा के लिए है, सिर्फ मैं तुम्हारी मम्मा के लिए लेके आया हूँ, पीनी नहीं है। ये सारी बोतल है? हाँ नहीं, थोड़ी सी है, बची थी यार, कारी साहब लेके आए थे बोतल, मैंने नहीं ली, कल मैंने ली थी, आज कारी साहब लेके आए। मुर्गी मुर्गी का पता चला कोई? हमारी जी एक मुर्गी कोई ले गया पकड़ के, तो मुर्गी पकड़ के ले गया, पता नहीं कौन ले गया। ये देखिए बोतल, देख रहे हो आप पास? नहीं नहीं बोतल देखे नहीं। हाँ कुछ नहीं पड़ा अपने जिम्मे। रेहान किधर है? रेहान अंदर पड़ा हुआ है। क्यों? दूसरा कुंडी लगाई हुई है। क्यों? उसका मूड क्यों खराब है? और रेहान बारा क्या हुआ? कुंडी के लिए लगाई अंदर से, खोलो दरवाजा, क्या कर रहे हो अंदर? क्या प्लास्टिक डाल रहे हो सलवार में? प्लास्टिक टूट गई सलवार की, तो मम्मा जी केले बांध रही हैं। यार केले पड़े पड़े ऐसे हो जाते हैं। मैं दो रखे, मैं एक दो है, देखो एक दो है वापस, छोटा है मेरे पास, छोटा ना, फिर क्या हुआ? मम्मा ने क्या वही दे दिया, ये क्या आपको दे पूरे होगा दिन की मम्मी ने किसे खाया इसके बाद? चार हो गए इसके, अपनी माँ ने बताया किसे खाए? पांच हो गए, ये दो दिए पहले आपको, एक दिया आप ही
तुम क्यों कर लेते हो? मैंने किया। मैंने डाला तुम्हारी कोई मसाला? हाँ, वो वैसे हाँ। प्याज प्याज के चाल ना प्याज खाते हो ना टमाटर खाते हो ना मिर्च खाते हो अपनी नहीं मिला दिया अपनी ओ मां तू बात चलते चले चले ताकि आप अपने खा लिया सच में जा रहा हूँ अल्लाह हाफिज ले कोई बात नहीं ले ले कोई बात नहीं